नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो में होने वाला है कयामत का खौफनाक मंजर बाय मौलाना तारिक जमील जी, अल असार प्रोडक्शन YouTube चैनल का ये वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाइए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, हम ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। परिंदे घोंसलों से निकल कर जा रहे हैं ब्रेड फोर्ड की तरफ के, रोज आते हैं, आज कुछ खाने को मिलेगा। सूरज भी निकला है, उसे भी कुछ खबर नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। चांद भी डूबा है, उसे भी कुछ खबर नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। सितारे भी धुंधले हुए हैं, उन्हें भी कुछ खबर नहीं क्या होने वाला है। आसमान उसी तरह बहुत बड़ी छत है, उसे खबर नहीं क्या होने वाला है। हमालिया पहाड़ तकब्बर से सर उठा के खड़ा है कि मुझे कौन हिला सकता है। जमीन का फैला हुआ मैदान बड़े फख्र से कहता है मैनू कौन हिला सकता है। दरिया सहरा बिफरे हुए दरिया गिरते हुए गिरते हुए आबशारे कह रहे हमें कौन हिला सकता है। एक दम फइज़ा जाअत तम्मतुल कुबरा, एक खौफनाक आवाज आएगी, दुकानदार को दुकान भूल जाएगी, बादशाह को तख्त भूल जाएगा, माओ को औलाद भूल जाएगी, बीवी को खामिंद, खामिंद को बीवी भूल जाएंगे, माए दूध पीते बच्चों को उठा के यूं फेंकेंगे यूं। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, अभी दूध पिला रही, अभी लोरियां दे रही, जब वो धमाका आएगा यूं फेंकेगी, कहा तू मर था मर मैं बच्चा, लेकिन आज ना ये बचे ना वो बचे। अरे खौफनाक आवाज, सूरज फटता जा रहा है, तारे टूटते जा रहे हैं, चांद बिखरता जा रहा है, जमीन में दरारें पड़ रही, पहाड़ रुई बन रहे हैं, समुद्रों में आग लग रही। दुनिया के बदनसीब तरीन लोग हैं जो क्यामत का दिन देखेंगे। फिर एक खौफनाक आवाज के साथ सारी दुनिया को अल्लाह मौत दे देगा। आज ना रोने वाला है, ना दफनाने वाला है, ना कफनाने वाला है। मुसलमान तो होंगे नहीं कि कोई जनाजा पढ़ने का कहूं, ना कोई रोने वाला, ना कोई कफनाने वाला, ना कोई दफनाने वाला। आज जिन भी मरे, इंसान भी मरे, बच्चे भी मरे, बूढ़े भी मरे, जवान भी मरे, शाह भी मरे, गधा भी मरे, हुसन वाले भी, खूबसूरत भी, ये लाशें पड़ी हैं, कोई कब्र नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई कब्र खोदने वाला नहीं, कोई पुरसा देने वाला नहीं, कोई ताजियत करने वाला नहीं। फिर पहले आसमान पे मौत, फिर दूसरे को मारा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों आसमान के फरिश्तों को गिरा दिया, जेरो जबर कर दिया। फिर मेरा अल्लाह कहेगा कौन बाकी है, आवाज अल्लाह कहेगी कौन बाकी है। तो मलकुल मौत कहेगा या अल्लाह ये अर्श के चार फरिश्ते हैं और ये मिकाइल इसराफील जिब्राइल बाकी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाइल मर जाएं, तो उस पर अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह जिब्रील मिकाइल को तो बचा ले। तो अल्लाह कहेंगे उसकुत फकत कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, खामोश मेरे अर्श के नीचे मौत ही मौत है। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी, वो कहेंगे या अल्लाह अर्श के फरिश्ते इसराफील और मैं। अल्लाह कहेंगे अर्श के फरिश्ते मर जाएं, धड़म उग गए। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी, कहेंगे अल्लाह इसराफील और मैं। इसराफील मर जाए, इसराफील सूर फूंक रोगे तो सूर उसके हाथ से निकलेगा और यूं उड़ता हुआ जाकर अल्लाह के अर्श के साथ ऐसे लग जाएगा जैसे ये बल्ब लगा हुआ है, और इसराफील मरेगा। अब ऊपर अल्लाह, नीचे इसराइल, उन्होंने भी पता लग गया मेरी बारी भी लग गई, टंगा कम भी अल्लाह पूछेगा कौन बाकी, कहेगा यार अल्लाह बस अब तो मैं ही बाकी। तो अल्लाह कहेंगे मत फइन्नका खल्कुन मिन खल्की, होय 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 होय, जा तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है, ये दुनिया की हकीकत है। फिर अल्लाह ताला कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात है, कोई है मेरा शरीक तो आओ,
मन कान अली शरीक अनफलियाते, कोई है मेरा शरीक तो आओ। मन कान अली शरीक अनफलियाते, कोई है मेरा शरीक तो आओ। फिर जमीन आसमान को ऐसे झटका देगा, एक झटका देगा, फिर कहेगा अनल मलिक मैं बादशाह हूं। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूं कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बर। मुतकब्बर तकब्बुर कभी ना करना, एड़ी मार के ना चलना, गर्दन टेढ़ी करके ना चलना। आदमी जिना शराब से इतना अल्लाह की नजरों में जलील नहीं होता जितना तकब्बुर से जलील होता है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की सिफत है। ओ हो हो, फिर अल्लाह कहेगा ऐन अल मुलुक, बादशाह किधर है? ऐन अल जब्बारुम, वो जालिम किधर है? वो कब्जे ग्रुप, वो लैंड माफिया, वो किधर गए? ऐन अल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले किधर हैं? फिर अल्लाह कहेगा लिमन अल मुल्क अल यौम, आज कौन बादशाह है? कोई है ही नहीं जवाब देने वाला। फिर अल्लाह खुद कहेगा लिल्लाह अल वाहिद अल कहार, आज अकेले अल्लाह की बादशाह भाइयो। ये इस दुनिया का अंजाम है, यहां से अल्लाह को पालो, फिर मौज करो, क्यामत का धमाका भी आपको खौफ ज़दा नहीं करे। सीरियसली यहाँ पर जो कयामत का दिन आएगा या फिर जो कयामत का खौफनाक मंजर होगा उसके बारे में बताया गया है मौलाना तारिक जमील जी के द्वारा, और बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही डर लगता है ये चीजें सुन के, मगर ये चीज सच्चाई है। और क्या पता अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि हमारा रिएक्ट आपको कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार, थैंक यू।